शिवम भाई आवाज बड़ी डांस निकाल लो भाई। तो फाइनली गाइस तैयार होके निकल रहा हूँ, टाइम भी हो गया, चल रहे शिवम भाई के घर पे, उनको पिकअप करेंगे। तो ये शिवम भाई के घर पे आ गए हैं, शिवम भाई को पिकअप करेंगे। ये आ रहे हैं शिवम भाई, इनको पिकअप करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे। एकदम रेडी हो के शिवम भाई आ रहे हैं, तैयार हो गया, चला जाए फिर चलते हैं, फिर निकलते हैं। तो फिलहाल हमने सोचा कि क्यों ना गाड़ी की हवा भी चेक करा ली जाए। बस्ती पहुँचे हैं, शिवम भाई एकदम फेस वेस बांधे, हवा चेक कराते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। If we're not undressed, a part of me wish that we never met. But you act like we never got to waste it in the bathroom of your parents' house. Now you get. तो फिलहाल हम लोग रुके हैं थोड़ी देर के लिए खलीलाबाद में, और ये सही मजा आ रहा है चलने में, चलने मजा आ रहा है कि अभी हमने बताया नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग, अभी हमने बताया नहीं, चल के वहीं दिखाते हैं सबको सरप्राइज। और उसके बाद अभी थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, क्योंकि लमसम हम लोग 80-80 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे, निकलते हैं फिर यहाँ से, थोड़ी देर यहाँ आराम करेंगे भाई। लगातार ट्रैवलिंग करना शोल्डर वोल्डर पेन होने लगेगा, इसलिए थोड़ा रुक रुक के चलेंगे। तो थोड़ा यहाँ रेस्ट होगा, उसके बाद फिर चला जाएगा। तो फिलहाल बाइक कर दिया हूँ पार्क, बाइक पार्किंग की यहाँ 10 रुपये है और 50 रुपये है फोर व्हीलर की। बाइक इधर खड़ी कर दिया हूँ और फिर चल रहे हैं हम लोग अंदर। तो पहुँच चुके हैं गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में, और शिवम भाई हम पूरा घूमेंगे आज पूरा मंदिर अच्छे से, और उसके बाद बाइक कैमरे से दिखा देंगे पूरा व्यू। ये एंट्री गेट है और इधर से पूरा ये मंदिर का पूरा व्यू, काफ़ी तगड़ा मंदिर बना। जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से एकदम मंदिर को ज़बरदस्त बना दिए। पिछली बार जब मैं आया था तो ये नहीं लगा हुआ था, लेकिन ये सब लग गया। ये इधर वोटिंग करने वाला है भाई, लेकिन अभी बंद है, ये फुहारा बंद है अभी, इधर वोटिंग भी आप कर सकते हो। तो ये मंदिर, हम और शिवम भाई चल रहे हैं मंदिर घूमेंगे। शिवम भाई पूरी रास्ते कहीं कुछ खाने नहीं दिए, बोले जब तक मंदिर का दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक कुछ खाएंगे नहीं। तो हमने कहा चल के पहले मंदिर का दर्शन ही करेंगे तभी कुछ खाएंगे। ये मंदिर का पूरा व्यू बाहर से कितना तगड़ा मंदिर लग रहा है भाई, इस समय और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, सुबह का टाइम है ना। तो चलते हैं फिलहाल मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं। ये मंदिर के सामने जस्ट नंदी भगवान, और उसके बाद ये मंदिर का पूरा व्यू, ये एकदम फ्रंट मंदिर का एकदम फ्रंट है। शक्ति कितना ज़्यादा है, क्या शक्ति बहुत ज़्यादा है। अब पुलिस वालों की भाई ये देखो, पूरे गश्त पे लगे हुए हैं पुलिस वाले भाई। और ये मंदिर, तो फिलहाल चलते हैं अंदर, अंदर चलेंगे, यहाँ दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर बाहर आएंगे तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मंदिर के जस्ट सामने ये फव्वारा लगा हुआ है, लेकिन अभी फ़िलहाल चल नहीं रहा है, ये अभी बंद किया गया है, लेकिन ये फव्वारा चलेगा तब अच्छा लगेगा भाई, ज़बरदस्त है, व्यू तगड़ा आ रहा है ना भाई, अच्छा लग रहा है। चलते हैं, अभी हम लोग गए नहीं अंदर, अभी यहीं खड़े होकर देख रहे हैं, फिर चलते हैं अंदर। ये शिवम भाई, भाई एक चीज़ बताना भूल गया यार हम लोग, वो पुलिस वाले रोके नहीं थे,
हम लोगों का बैग चेक किया गया भाई, उसके बाद सिक्योरिटी है ना, उसके बाद जो हम लोग वो लाए थे माउंट वगैरह वो सब लगाने नहीं दिए। ऐसा ही है सेफ्टी के लिए, नहीं पता क्राइम हुआ। माउंट वगैरह नहीं लगाए, बोले आप ऐसे भी वीडियो बना लीजिए, बाकी फ़ोटो आप खींच लीजिए, बाकी और कोई उपकरण का उपयोग ना करें। तो इसलिए हम लोगों ने, का निवास स्थान है तो यहाँ सेफ्टी ज़रूरी है ना, तो इसलिए हम लोगों ने बस जितना भाई कह के भेजा, कैमरा भी लगाया, कुछ कर भी नहीं सकते, तो बस उतने ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। योगी जी इसी मंदिर के महंत हैं इसीलिए। और ये बाहर के लोग भी आए हैं भाई, ये आप देखो बाहर से बहुत ज़्यादा लोग हैं। चलते हैं अंदर फिर, ये मंदिर का पूरा व्यू अंदर का, और ये शिवम भाई, चलते हैं पूरा ऐसे दर्शन करते हुए दिखाएंगे आपको। शिवम भाई कैसा लगा? बहुत ही अच्छा व्यू है हाँ, अंदर का मंदिर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना। ये सब दिखा दीजिए बहुत अच्छा। ये सारे भगवान की मूर्ति और संतों की मूर्ति, महाऋषियों की मूर्ति है ये, जितने भी महाऋषि हैं उनकी है, जितने भी महाऋषि हैं उनकी मूर्ति है। शिवम भाई एकदम सारे महाऋषियों का आशीर्वाद लेते हुए चल रहे हैं। अंदर का जो ये व्यू है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग भी रहा है, और काफ़ी लोग बाहर से दर्शन करने आए भी हैं। एकदम ज़बरदस्त लग रही भाई मूर्तियाँ। सरस्वती जी भी बैठी हैं क्या? संस्कृत में उच्चारण भी लिखा है, अब संस्कृत का कोई पढ़ने वाला होता तो मज़ा आ जाता। ऐसे चलते हैं दर्शन करते हुए। ये भी बेटर, ये सब संत महाराज, और ये कौन है? संत कबीर दास जी हैं भाई, ये संत कबीर दास जी। ये फिर अब व्यू दिखा देते हैं इधर से भी घुमा के, मंदिर का पूरा फोटो यहाँ से व्यू आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लगा। हाल जो ये बना हुआ है, हाल काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लग रहा है भाई ना। शिवम भाई बहुत अच्छा है, घूमने में बहुत मजा आया, गोरखपुर घूमने लायक हो गया है, घूमने लायक मंदिर बहुत अच्छा बन मंदिर अब जैसे जैसे योगी जी काम कर रहे हैं और अभी मज़ा आ रहा है, घूमने लायक जगह बेटर बन रही है। फिलहाल अभी थोड़ी देर हम लोग यहाँ बैठ के रेस्ट करेंगे, बहुत ठंडा है, उसके बाद फिर चलेंगे कहीं बाहर। Part of me wish that we never met, but you act like we never got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat. चलेंगे यहाँ दर्शन करेंगे शिवम भाई लेके अंदर, भैरव बाबा, शिव मंदिर, और अंदर ये सभी संतों की मूर्ति रखी हुई है। शिव, ये देखो शिव भगवान, जय हो भोलेनाथ, जय हो प्रभु, ये सभी संतों की मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति छूना मना है भाई, दूर से ही देख सकते हो आप, लेकिन आप मूर्ति छू नहीं सकते। ये भी भोलेनाथ का रूप, इधर ये सब भोलेनाथ का रूप, भोलेनाथ का रूप जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जय हो प्रभु। ये शिवम भाई खूब आज दर्शन करो भोलेनाथ का, आज बहुत मूर्ति देख ले लेकिन अच्छी मूर्तियाँ बनी है भाई, इधर माता रानी छोटी छोटी मूर्तियाँ भी हैं, उधर अंदर भी मूर्ति थी, लेकिन ये वाला प्रांगण जो बनाया गया इधर भी मूर्ति मूर्ति रखी है। ये किसी स्कूल का टूर भी आया है, बच्चे ये स्कूल के, ये भाई सब लोग वोटिंग का लुफ्त उठा रहे हैं, ये वोटिंग का, इधर भी आप वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है।
धूप बहुत हो गया, धूप बहुत ज्यादा है ना, गर्मी बहुत ज्यादा है भाई। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And तो जूता अपना यहाँ रख सकते हैं, आपकी जितना इच्छा हो दिल से उतना आप पैसा दीजिए, कोई यहाँ पैसा वैसा अगर नहीं देना तब भी ना दीजिए, लेकिन जूता यहाँ निकाल के रख सकते हैं। शिवम भाई बढ़िया जगह है ना। तो हम लोग दर्शन करके अब बाहर निकल रहे हैं, दर्शन बहुत अच्छा हुआ, अच्छा लगा पूरा प्रांगण देख के और मूर्तियाँ सारी देख के। उसके बाद फिर अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है, लेकिन हम लोगों का हो गया है भाई दर्शन, तो इसलिए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। मज़ा आ गया भाई, ये चलते हैं हम लोग बाहर की तरफ। गार्डन भी अच्छा बना हुआ, एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं जाते हुए पूरा व्यू मंदिर का, और शिवम भाई को दिखा दें चंदन लगाने के बाद एकदम ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये स्माइल देखने के बाद स्माइल बढ़िया है, आते समय भी शिवम भाई का स्माइल भी बहुत बढ़िया था, जाते समय भी स्माइल बहुत बढ़िया। तो चलते हैं फिलहाल, बाहर निकलते हैं हम लोग। तो फाइनली हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, और उसके बाद भाई घूमना बहुत ज़्यादा हुआ, अब यहाँ से निकलेंगे कहीं और देखते हैं। ये भाई आप नदी देख सकते हैं, गोरखपुर का जो ये बिल्डिंगें दिख रही हैं यहाँ से, यार भाई लाजवाब यार, ये तो मरीन ड्राइव वाला तरीके, जैसे मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के साइड में उधर जो बीच नहीं है वैसा ही दिख रहा है ये, इधर पूरा पानी पानी, उधर पूरी बिल्डिंग बिल्डिंग। शिवम भाई लाजवाब लग रहा है भाई, ज़बरदस्त लग रहा है ना एकदम। शिवम भाई गमछा लगा के आज जच रहे हो एकदम ज़बरदस्त ना, ये पूरा व्यू भाई। तो हम लोग पहुंच चुके हैं चिड़ियाघर पे, कर दिया हूँ पार्क यहाँ, ये बाइक खड़ी अपनी। ये शिवम भाई, यार भाई धूप बहुत तगड़ा हो गया यार शिवम भाई। ये चिड़ियाघर, बाइक पार्किंग का 10 रुपये, फोर व्हीलर का 30 रुपये। ये हम टाइम लपेट के चलेंगे भाई। शहीद भैया, अरे आर्मी वार्मी में तो नहीं शहीद हुए थे भाई। फिलहाल चलते हैं अंदर, एंट्री लेते हैं, टिकट कटाना पड़ेगा भाई, और टिकट ले ले फिर चलते हैं टिकट काउंटर। तो भाई 6 से 12 साल के लिए 25 रुपये टिकट, और 12 से अगर आप ऊपर हैं तो आपका 50 रुपये पर व्यक्ति टिकट। ये दो टिकट हमने ले लिया है, और चलते हैं फिर अंदर। ये पार्क का पूरा मैप, पार्क के अंदर आप कहाँ कहाँ घूमेंगे वो। ये मैप है पार्क का पूरा भाई। हम लोग एंट्री कर चुके हैं यहाँ पे, एंट्री करते ही पार्क का पूरा 3D में जो पूरा नक्शा वो दिखाया गया, और ये पार्क का ये एरिया एंट्री पॉइंट। ये शिवम भाई गमछा उतारेंगे नहीं आज शिवम भाई, चाहे जो हो जाए। ये भाई ये लखनऊ वाले चिड़ियाघर से जैसे एंट्री कर रहे हैं तो थोड़ा गैपिंग ज़्यादा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है ना। थोड़ा चलते हैं अंदर, घूमते हैं और जानवरों को देखेंगे, कौन कौन से जानवर हैं, जानवर भी दिखाएंगे। कोई स्पेशल जानवर मंगाया योगी जी की नहीं मंगाया? अरे कोई पता चलेगा, जैसे भाई मोदी जी अभी क्या मंगाया, चीता मंगाया ना, पता चला मोदी जी कुछ मंगाया तो योगी जी को भी मंगाना चाहिए अपने यहाँ,
होम टाउन के लिए। लेकिन भाई इसमें अभी जब तक पेड़ बड़े नहीं होंगे तब तक गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। हम लोग एंट्री किए हैं तब तुरंत यही देखने मिला मस्कबी डक। आ जाओ भाई, आ जाओ पास में, आ जाओ। सिम भाई यार आ नहीं रहा यार। नहीं चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। इसको ये सब हम अच्छा ये है, ये मस्त है काका टेल। कलर कितना अच्छा है इसका, इसका ना ये इसका देखो भाई तो बोर्ड दिखा दो। बोर्ड भी ये किसी चैप्टर में है कि नहीं? ये नहीं है, ये नहीं है ना। चलते फिर आगे दिखाते। पक्षियों को भी दिखा रहे हैं, कुछ तगड़ा जानवर मिले जो अटैकिंग हो कि नहीं। अटैकर हो एकदम पूरा, देखते ही झपट्टे तरीके से हम लोगों पर आक्रमण करे। जो जाली लगी है ऐसा तो है नहीं कि हाँ ऊपर ही आक्रमण होगा। ये तो हम लोगों घर पे ही बहुत है देसी वाले। लेकिन एक चीज़ है इस पार्क में, अभी पेड़ नए नए लगाए हुए हैं, जब तक ये बड़े नहीं हो जाएंगे तब तक आपको छाया नहीं मिलेगी, तब तक आपको ऐसे गर्मी में देखना पड़ेगा। ठंडी में घूमने लायक ही जगह है। चलते हैं फिर इधर वाले में देखते हैं क्या है। कौन सी वैरायटी है ये? सारस बास दिखा देते हैं। भाई रेस्ट कर रहे हैं ना। ये तो सारस जैसा लग रहा है यार, लेकिन ये इंडियन सारस नहीं, ये बाहर का है ना। इसके नाम नहीं लिखा ना, इधर दूसरी साइड लिखा होगा, लेकिन ज़बरदस्त सारा है। मज़ा आ रहा है बाबू, अच्छा लग रहा है। मोर नहीं है ये, ये ऊपर लिखा है क्या लिखा है? वन्यजीवों को ना छुएं ना ही दिखाएं। भाई अब जाली लगा है तो कहाँ हम लोग छू पाएंगे। चलो चलते हैं दूसरी तरफ। शिवम भाई आ जाओ। इतनी धूप है भाई, घूमते घूमते पसीना छूट गया यार, बहुत तगड़ी धूप है। ये क्या है? ये अभी चल के देखा जाएगा, इसमें स्नैक होगा हमें जहाँ तक लगता है ना। किसका घर है यार? वहाँ चल के देखा जाएगा। ये शिवम भाई पसीना छूट गया यार, बहुत ज़्यादा। चलते चलते हालत ख़राब होगी ना। यहाँ पे पेड़ नहीं, अभी नए लगाए गए हैं भाई, ये छोटे छोटे अभी लगाए, जब ये बड़े होंगे। अभी तो इसका उद्घाटन हुआ है जल्दी। ओह भाई सब रेस्ट कर रहे हैं, इतनी धूप है, धूप में चलते चलते हालत ख़राब हो जाएगी। थोड़ा रेस्ट करते हैं उसके बाद फिर चलते हैं यहाँ से। वाइट वाला हिरन भाई, ये ऐसी खड़ी थी तो हम लोगों को लग रहा था जैसे आर्टिफिशियल बना हो ना। ये सीएम भाई चश्मा लगा के भाई, अरे भाई आज रवि किशन को देखे हो ना, उनसे तगड़े तुम लग रहे हो। आज भाई सांसद को देखे, हम लोग रास्ते में खड़े रहते, वो जा रहे थे गाड़ी से, गाड़ी में देखा हूँ फॉर्चुनर से जा रहा था। कई हैं ये, कई सारे हिरन भाई। अंदर कूद जाए क्या? कूद जाऊँ क्या? ये व्हाइट वाला तो एक जगह खड़े हो जा रहा है यार, ऐसा लगता है जैसे आर्टिफिशियल बना है। अब घूमा, अब चलने लगा। अरे आओ बाबे, अरे बेबी डॉल, अरे भाई ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। दौड़ा लिया भाई, ये देखो ये। अरे टूट ना जाए भाई इनका सिंह, दौड़ा रहा है। इसमें एक ही है बाकी दूसरे कलर की, इसीलिए तो नहीं दौड़ा रहा ये। ये गैंडा सिंह भाई, भारतीय गैंडा है भाई। पास चले आए, ये क्या है, क्या है ये? भारतीय गैंडा भाई, गैंडा गैंडे जैसा लग भी रहा है ना। इसकी खाल कितनी मोटी है ना। सिंह भाई पसीना छूट जा रहा गैंडा देखने के चक्कर में। ये भाई इधर पास में आ जाता तो थोड़ा पकड़ लेता। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या है इसमें, इसमें क्या है? लकड़बग्घा,
अच्छा ये भाई ये गैंडा ट्रेंड किया जाता है क्या है लोगों ये भाई लकड़बग्घा कितना जबरदस्त लग रहा है भाई ना उधर से गाड़ी भी जा रही है फॉरेस्ट गार्ड वाले के अटैक ना कर दे यार ये ये भाई ये लकड़बग्घा लग रहा बड़ा भयानक भाई ये देख रहे हो काफी भयानक है ना सिंह भाई आई 10 फीट 15 फीट गड्ढा है ना अच्छा नीचे नहीं नहीं इसके बगल में अच्छा तभी नहीं कूदा पे सही बोल रहे ये शिवम भाई आज चलो ये लकड़बग्घा हमने लखनऊ वाले जू में नहीं देखा था भाई चलो चलते हैं फिर यहाँ से देख के अंदर जा रहे हैं भाई हम लोग बहुत थक गए हैं थोड़ा चलते हैं बैठते हैं थोड़ा कैंटीन है दिखा कैंटीन बना हुआ अंदर ही तो कैंटीन के अंदर चलते हैं और देखते हैं कुछ खाने के लिए मिल जाए तो मज़ा आ जाए इधर से आ जाओ एसी वेसी चलाएँ हो तो मज़ा आएगा विदाउट एसी होगा तो हम नहीं बैठेंगे अंदर सामान लेके बाहर ही बैठा जाएगा कि नहीं क्या बोल रहे हो गर्मी बहुत ज़्यादा लगी है भाई कैंटीन में चलते हैं चलो एंट्री करते हैं इधर से ओ भाई ये कैंटीन भाई भीड़ तगड़ी है कैंटीन में फैन के नीचे बैठते हैं यार ओ भाई बीच में बैठते हैं इधर ही बीच में बैठते हैं ओ सिम भाई सिम भाई क्या देख रहे हो यार तो भाई हम लोगों ने मंगाया है समोसा कोल्ड ड्रिंक और फ्राई राइस अभी फ्राई राइस बनने में थोड़ा टाइम लगेगा और आ गया हमारा समोसा और कोल्ड ड्रिंक ये समोसा भाई कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल अब जाके थोड़ा पसीना सूखा है यार अब थोड़ा सुकून चलते हैं फिर इसको उड़ाते हैं फिर फ्राई राइस आए फिर वो उड़ाया जाएगा और ये लड़की शिवम भाई को बहुत देख रही है तब से तो ये फ्राई राइस भी आ गई है हम लोगों की देखने में तो अच्छा लग रहा है फिलहाल टेस्ट करके देखते हैं ना खाने पता चलेगा भाई किसका टेस्ट कैसा है हिमालयन गिद्ध दिखाते हैं आपको ये बैठा हुआ लग भी रहा है भाई गिद्ध वैसे तो वैसे गिद्ध देखने मिलता नहीं ना सिम भाई गिद्ध की प्रजाति लुप्त हो गई है लेकिन यहाँ चिड़ियाघर में देखने मिलेगा अरे इधर देखोगे जो गिद्ध होते थे पहले मांस खाते थे पहले वो लुप्त हो गए हैं मांस जो खाते थे हाँ वो वाले उसके वजह से प्रदूषण भी हुआ था हाँ सही बोल लो चलते हैं दूसरा देखने जानवर ये भाई एमू सियम भाई एमू है ना ये तो शुतुरमुर्ग जैसा है ना अरे एमू एमू डार्लिंग लो भाई डर के भाग रही है हम लोगों से डर के भाग रहे हैं उसमें भी एक है उसमें वो अंदर ना आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ कुछ लाया नहीं खिला देती ना पास से देख एकदम भाई पास से दिख रहा है ना भूखा है आ जाओ आ जाओ आ जाओ चलो फिर आगे चलते हैं ये देखो दूसरी वाली भी आ गई आ जाओ ये देखो मित्र आए हैं आपके ढेर सारे हम लोग मित्र ही समझो हम लोग मित्र ही हैं हाँ हम लोग मित्र हैं हम लोग उस डर के भाग रहे हैं ये इसमें क्या है भाई जंगल कैट बिल्ली तो वैसे भी घर पे देखने मिलती है जंगल जंगल में छोड़ दो तो जंगल वाली ही बिल्ली लगेगी तो वो देखो भाई है लेकिन ये रेड कलर की है भाई ना ये बिल्ली ये ओ भाई तितलियों पकड़ रहा है ये तभी तो गोल गोल घूम रहा है ये रेड कलर की जंगली बिल्ली है हम लोग को कहते तो शेर जैसा लग रहा है ना छोटा सा हम भी वैसे वही जगह ही हम नाच रहे बार बार
चलो दूसरा देखते हैं फिर आगे। सियोम भाई आवाज बड़ी डरते हैं कल भाई। इतनी तगड़ी आवाज तो वो नहीं निकाल पाएगी ना जितनी तगड़ी आवाज निकल रही है ना। भाई शेर की आवाज नहीं निकाल मिलेगी, बाकी आवाज सारे जानवरों का आवाज निकाल सकते हैं हम लोग। इसमें क्या है भाई, इसमें क्या दिख रहा है भाई? तेंदुआ इसी में तो है, कहाँ है तेंदुआ, कहाँ है? अंदर है गुफा में क्या? धूप इतनी तगड़ी है भाई ना? इसमें कहीं बैठा होगा। इधर है भाई, इधर ही बैठा है क्या कहीं? नहीं हमें तो वो बैठा है भाई, वो ए वहाँ पे एकदम नीचे वो देखो बैठा है। यहाँ हो, यहाँ यहाँ से दिख रहा है वो, उधर से रास्ता हो तो उधर से बेटर दिखेगा वो छाए में, वो उधर छाए में भाई, इसी के जस्ट बगल दीवार के आप देखो सीधे वो है पेड़, उसी उधर से रास्ता होता तो दिखता। यहाँ से दिख रहा है वो देखो बैठा नहीं बीच में, इतनी दूर से जूम करके भी दिखाएंगे नहीं दिखेगा। गर्मी में परेशान है बेचारे, आ जाओ भाई, धूप बहुत ज्यादा हो गया इसी वजह से। तो चलते हैं और कुछ देखते हैं, कुछ देखे भाई? गुफे में देख लो, एकदम सो रहा भाई, उधर उधर जंगल भाई, इधर से दिख रहा बेटर दिख रहा है ना, ये गुफे में ये देखो भाई, दिखा भाई सो रहा है भाई, दिख रहा है वहां से, वहां से दिखाते हैं आपको। गर्मियों में परेशान हो जाते हैं यार एकदम बैठे, ये दिख रहा है इसका सर ही दिख रहा है ना, इधर ही तो दिख रहा है ना इसका सर ही। गुफा है, अंधेरा है गुफे के अंदर, लेकिन ये सोते हुए दिख रहा है। शाम को निकली गई बाहर, अभी तो फिलहाल रेस्ट ही कर रहे, रेस्ट फिर भाग के मारा जाए क्या कुछ तभी आएगा। रेस्ट करने तो चलो चलते आगे चलते हैं, धूप भी है, थोड़ी थोड़ी दीदार सबका किया जाएगा। ये कैंटीन ही है भाई, हम लोग कैंटीन से निकले उसके बाद ही देखते हैं ये सब। इतने धूप में छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं देख लो, हम लोग तो इतने बड़े हैं थोड़ा बहुत सहन कर ले जा रहे इतना धूप, ये छोटे बच्चे कैसे सहन कर पा रहे हैं? बच्चे ज़्यादा सहन कर लेंगे, हम लोगों में ज़्यादा, हम लोगों ज़्यादा कैपेसिटी है, हम लोगों में ज़्यादा कैपेसिटी है। सही है। तो भाई हम लोग घूम रहे हैं अभी और धूप आप देख सकते हैं कितनी तगड़ी धूप है, सूर्य भगवान प्रचंड पे हैं, उन्होंने कहा है कि सियोम भाई को आज धूप का मजा देंगे, धूप का मजा देंगे और पानी पीने, जितना पानी पियोगे आप पसीने के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ये है एशियाई बाघ शेर भाई, गर्मी में बब्बर शेर की हालत तो एकदम खराब हो गई है, ये लेटे हैं भाई बब्बर शेर, हालत इनकी डैमेज हो गई है गर्मी में, रेस्ट कर रहे हैं ये भाई। हाय ये गर्मी, उस वो वाला गाना बजता ना जो साउंड में अगर यहीं लगे होते साउंड, वो अगर गाना बजता सी हूँ भाई ना हाय गर्मी, तो अभी यहीं डांस करके दिखाया जाता इसी रोड पे। वो वाला स्टेप मज़ा आ जाएगा भाई, बब्बर शेर का जो पुतला बना वो आप देख लो। वो तो अभी रेस्ट ही कर रहा है। ये इधर क्या है भाई? जबरा का तो वो बना है, नाम सांभर डियर है। ये बैठे हुए हैं सारे, ये सारे बैठे हुए हैं गर्मी में भाई, बैठे रहे वही बेटर है। चलेंगे हम लोग थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करेंगे भाई, इस जो ये जगह बनी है यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट किया जाएगा भाई, क्या बोल रहे हो भाई? बैठना। हाँ ठीक है चलते हैं, यहीं बैठते हैं, धूप रेस्ट कर करके देखेंगे हम लोग सारा। यहाँ से व्यू लेके दिखा देते हैं आप लोगों को, ये चिड़ियाघर का व्यू, अभी जितने भी नए पेड़ लगे हुए हैं
वो जब बड़े होंगे तभी असली चिड़ियाघर का मजा आएगा। अभी तो फिलहाल सीएम भाई की हालत खराब हो गई है गर्मी की वजह से, चेहरे की रौनक बदल गई भाई धूप की वजह से, गर्मी ना। थोड़ी देर यहाँ बैठ गए, ये भाई फैन चल रहा है थोड़ा सुकून देगा हम लोगों को, यहीं बैठेंगे थोड़ी देर फिर निकला जाएगा। ये भाई ये जू के जो बीचों बीच में है वहाँ पे बना हुआ ये शिवम भाई, तगड़ा लग रहा है ना, एकदम तगड़ा। शिवम भाई एक फ़ोटो भी है, इस क्लिक मार देते हैं। लो दो फोटो मार दिए, इसके मूछे उखाड़ लो तो जाने इसके। ये शिवम भाई अरे गुल्लू पुल्लू चलो चलते हैं फिर भाई, जबरदस्त व्यू आ रहा है इसका शिवम भाई। इधर भी गैंडा, इधर भी गैंडा, इधर गैंडा जियो गैंडे की आवाज़ भाई। हमें लगता है जू में गैंडे की संख्या ज़्यादा है, क्या बोलो शिवम भाई? बहुत ज़्यादा गैंडे हैं। आजा चलते हैं भाई, गैंडा दोबारा देखने को मिला। ये शिवम भाई ले चल ले कहाँ है, सांप घर स्नैक हाँ। चल रहे भाई अंदर देखा जाएगा। ये भाई हलते ही दिखा सियोम भाई, ये कौन सी है नाग, ये अपनी ऊपर की कवर भी निकाल दिया ना, केचुल हाँ निकाल दिया स्नैक। और देखते हैं अंदर कौन कौन सा है। ये जगह ये भी तो अपने यहाँ मिलता है, कहाँ पे है नहीं दिख रहा है ना, ये भारतीय अजगर, भारतीय अजगर है भाई, एक लकड़ी के नीचे वही दिखा रहा हूँ। वो दूसरा कहाँ पे है? अच्छा ऊपर है वो, दूसरा कोने पे है, लेकिन वो बड़ा तगड़ा है भाई, क्या बोल रहे हो? ये क्या है, धामन भाई जो हम लोग गांव में देखते हैं, ये कोने पे वहाँ देखो, ये शिवम भाई दिखा रहे हैं, ये कोने पे भी भाई, और ये है देखो आगे देखो भाई, आप सांप देखो ये देखो भाई, देख लो मजा आ रहा है। वायर वायर कर देंगे हाँ जा रही भाई। ये देखो भाई लकड़ी के नीचे दबे हैं, ये वातानुकूलित बनाया गया है इन लोगों को टेम्परेचर के हिसाब से, इसमें नहीं दिख रहा है कहाँ पे है, नहीं लिखा तो है भाई, है कहाँ पे? ये लकड़ी के पीछे जितनी भी हैं ज़्यादातर लकड़ियों के पीछे ही हैं, ये लकड़ियों के नीचे ही हैं शिवम भाई। दो मुहा अगर दिख जाता तो बेटर था, नहीं दिख रहा ना, दो मुहा नहीं दिख रहा यार शिवम भाई। ये जगह सबसे मजा आया देखने में ना, उधर से। अच्छा वो भाई हम लोगों के लिए रास्ता नहीं है, ये भारतीय जगह, ये भारतीय अजगर। आ जा शिवम भाई,
वहाँ पे भी है और ये आगे भी है। चले भाई चला जाए, इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्या दिखेगा। ये शिवम भाई मजा आया, देख लेंगे। चश्मा दिखता है क्लियर, बहुत साफ साफ, वो सांप दिख रहा था। चलो फिर बाहर निकलते हैं। बाहर अब देखते हैं भाई क्या बचा है। ये गुम्मत में चलते हैं, देखते हैं क्या गुम्मत के अंदर। ये बटरफ्लाई हाउस बंद है क्या? बंद किए हैं क्यों? बंद है ना? ये बटरफ्लाई हाउस था भाई, लेकिन बटरफ्लाई बटरफ्लाई ही हो गई समझो। क्या बोल रहे बंद है अंदर, हमने देखा ऐसे आंखों से थोड़ा सा सुराग बना हुआ था, एक भी बटरफ्लाई नहीं है। उसके बाहर ये देखो उड़ रही है बटरफ्लाई, बाहर निकल गई, इसीलिए वो बंद कर दिया गया। नहीं सी भाई, ये क्या है? लोमड़ी? ये लोमड़ी है, बंगाल फॉक्स। दिख नहीं रहा है कहाँ पे है, अंदर छुपे होंगे कहीं धूप में ये लोग। बस हम लोग अब आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं सीएम भाई, घूम के पूरा, कुछ और बचे हैं देखने के लिए, और उसके बाद फिर हम लोगों की यहाँ से रवानगी होगी। ना होगा योगी जी से परमिशन लेंगे और फिर गोरखपुर से भी वापस चलेंगे अपने होम टाउन। अभी पहली बार आए हो सीएम भाई चिड़ियाघर? तो इससे बढ़िया तुम बताओ तो यार, लखनऊ चला जाता, वहाँ का बेटर चिड़ियाघर है, इससे लाखों ना ज़्यादा सही। ये खरगोश, खरगोश भाई, ये यहाँ से भी दिख रहा था खरगोश। तो तुम यहाँ सही मजाक नहीं, सही नहीं बताया भाई, पहली बार है। चलो अगली बार लखनऊ ट्रिप करेंगे। बताया होते यार लखनऊ, इससे तगड़ा चिड़ियाघर था, वहाँ दिखाता मैं तुमको। वहाँ ऐसे बना है ना, अभी एक दो साल हुआ है, इतने एक दो साल नहीं हुआ भाई। हाँ उसके बाद फिर मान के चलो कि अभी जल्दी इसका उद्घाटन हुआ है। हाँ और लखनऊ वाला तो बेटर बना यार, लखनऊ चलते तो उधर दिखाता मैं पूरा अच्छे से। लखनऊ चलना है, एक बार ट्रिप वहीं रखेंगे। हम लोग घूमते घूमते आ गए भाई कहाँ पे, मछली घर पे। मछली देखा जाएगा, मछली देखेंगे। अरे भाई अंदर तो अंधेरा है यार सीएम भाई, इधर से देखूँ, इधर से ऐसे चलते हुए देखते चलते हैं। इसका नाम बढ़ना ये भाई गोल्ड फिश, मिल्की कार, ऐसे दिखाते हुए चलते हैं। दिखा दिया भाई छोटा वाला, इधर भी आ जाओ, इधर ही से ले चल के घर वाले में डाल देते क्या जार में, क्या बोल रहे हो? घर वाले जार में इधर से ले चल के डाल देते हैं। बहुत छोटी छोटी रखी हुई है अभी इसमें। तो ये वाइट वाली, ये बड़ी वाली, ये तगड़ी दिख रही है। ये भाई कौन सी मछली है? इसका नाम है एलिगेटर गार। ये है बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बड़ा होगा तब अच्छा दिखेगा। इसका नाम है शेवरम, टाइगर, टाइगर सार। अटैकिंग है क्या ये? हमें लगता है ये अटैकिंग सार है क्या? तगड़ा लग रहा है भाई ना मछली, ये वाली
तगड़ा लग रहा है। स्टैक सॉरी स्टैक स्कैट जो है ये तगड़ी लग रही है, लेकिन ये बहुत छोटी है। स्कैट मछली बहुत तगड़ी लग रही है भाई, लेकिन बहुत छोटी है। ये है वॉकिंग कैटफिश, ये यहाँ पे बैठी हुई है। ये है टिन फाइल बार्ब है, ये टिन फाइल नए नए नाम जानने को मिल रहे हैं हम लोगों के। नहर में मिल जाएगी ये मछली? नहीं 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 मिलेगी, नहीं नहर में मिल जाती यार हम लोगों की। फ्लावर कार कौन सी है? नीचे आओ बेटा, नीचे आ जाओ बाबू, शिवम सर बुला रहे हैं। लेकिन यार ये बड़ी तगड़ी है भाई, ये देखो ये वाली इसके सर इसके इसके सर पे है कुछ। क्या है सर पे दिमाग है क्या इसके? सर पे दिमाग है क्या? मलेशिया में विकसित होती है, 10 साल लिखा हुआ भाई लिखा है अच्छा। इसके सर पे भाई इसके सर पे दिमाग हुआ ना। दक्षिण अमेरिका की नदियों में ये दक्षिण अमेरिका की नदियों की मछलियाँ हैं भाई। गोल्डन इसमें तो जैसे लाइट जल रहा ना ये वाली। तगड़ी लग रही भाई, बहुत तगड़ी मछली आ रही भाई। ये भी तगड़ी आ रही है ना। पैरेट फिश तभी उड़ ही रहा है ये। ताइवान में विकसित होती है, ताइवान में। चिड़ियाघर हम लोग भाई घूम चुके हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। कैसे हम भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगा ना, पूरा चिड़ियाघर घूम लिया भाई। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप भी बहुत तगड़ा था, तो हम लोग सोचे कि पूरा ख़त्म करके तभी जाएंगे। उसी हम भाई का पहला था, हम तो लखनऊ वाला घूम चुके हैं। अभी भी इसमें हमारे ख्याल से जब तक पेड़ बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक गर्मी कम नहीं होगी। जब गर्मी कम होगी तो और अच्छे से घूमने लायक जगह होगी। पूरा ख़त्म कर चुके हैं, अब यहाँ चल रहे हैं नई जगह पे, देखेंगे थोड़ा सा नई चीज़ें। तो मैं बाहर निकलते हुए व्यू दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। ये भाई अब हम लोगों का हो चुका है ख़त्म ये चिड़ियाघर, यहीं से स्टार्ट होता है, फिर यहीं एग्जिट पॉइंट भी है इधर से, ये एग्जिट पॉइंट। तो ये बाहर निकलने का किधर से चले भाई? इधर से चलो, इधर चलो, इधर से चलते हैं।
तो फिलहाल बच्चों का टूर भी बहुत आया, कई स्कूल का टूर आया, दिखाते हैं आपको। शिवम भाई देखे तो उनको अपने स्कूल की याद आ गई। ये शिवम भाई बच्चों का टूर आया भाई ना, ये देखो इधर भी बच्चे भोजन भी कर रहे हैं, लेके आए टिफिन बॉक्स, और उसके बाद इधर भी बच्चे स्कूल के। ये भी टूर आया बच्चों का, काउंटिंग चल रही है बच्चों क्या नहीं। अच्छा स्कूल के टूर के जो बच्चे हैं उनको लंच दिया जा रहा है। ये पार्किंग, फिलहाल अब ये बाहर का व्यू, एंट्री पॉइंट, आप एंट्री करें से फिर आप चिड़ियाघर के अंदर जाएंगे, ये एंट्री पॉइंट है। फिलहाल हम लोग निकल आए बाहर और यहाँ से फिर चल रहे हैं वापस, क्या बोल रहे हो, वापस चला जाए। भाई पूछो ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। यहाँ से गाड़ी जहाँ पार्क की है वहाँ जाएंगे हम लोग, हम लोगों की बाइक इधर आगे पार्क है ना, आगे पार्क बाइक वहाँ चलेंगे, बाइक लेंगे और उसके बाद फिर निकल जाएंगे इधर से। अभी इसको छाया में लाने के लिए भाई 5-6 साल बाद अब आने लायक है इधर, जब तक पेड़ बड़े ना हो जाएं और जब तक ये ना हो कि हाँ थोड़ा सा गर्मी कम हो तब आओ। इतनी गर्मी है भाई बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। फिलहाल चलते हैं बाइक लेते हैं निकलते हैं। शिवम भाई का हेलमेट, अरे भाई कोई हेलमेट उठा लिया क्या? हेलमेट, अपनी हेलमेट बच गई भाई, जल्दी चलते हैं। तो हम लोग पहुंचे हैं भाई घूमते घूमते नौका विहार, नौका विहार ही है ना, नौका विहार क्यों भाई। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई नौका विहार में, ये भीड़ तगड़ी है भाई इधर बहुत ज़्यादा। ये स्कूल के बच्चे इधर मेला की तरह लगा, क्यों एरिया बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बेटर बना भाई तभी तो। लेकिन विदाउट टिकट है ये घूमने के लिए। फायर पान ये अशोक स्तंभ की तरीके से ना झंडा रोहण, ये वोटिंग की सेवा भी आप ले सकते हैं। झंडा गीत, झंडा गीत लिखा है भाई, राष्ट्रगान लिखना चाहिए था। ये ऊपर का क्या है, झूला है क्या? नहीं रेस्टोरेंट है भाई, ये रेस्टोरेंट, ये पर्यटक वोटिंग, वोटिंग करना हम तो नहीं करेंगे यार, वोटिंग पे भाई डर लगता है। ये नौका विहार कहो या रामगढ़ ताल कहो, दोनों एक ही हैं, नौका विहार रामगढ़ ताल। ये क्या है भाई, DSLR में फोटो खिंचवाए मात्र 10 रुपए में भाई हमारे फोन भी में, हमारे फोन में भी इतनी क्लियरिटी आती है, DSLR की जरूरत नहीं है। ये भले करवा लो, गुदना गदवा तो गुदवा देंगे। सिम भाई पार बनाइए, फायर पान खाओगे सिम भाई? आइए मैडम खाना, दो वाला बिस्किट, दो वाला पान, आग वाला पान, खाना तो बताओ। ये रामगढ़ ताल नौका, अच्छा दोनों वही तो बताए, रामगढ़ ताल को नौका बिहार करो बात एक ही है। इधर पीने का जल, ये वाला बैकग्राउंड कौन सा वाला, ये पीछे वाला। थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे भाई। शिवम भाई गिटार बजा देते तो मजा आ जाता यार, पोज दे रहे भाई, अरे बजेगा तो मजा आएगा भाई। निकल लिया आवाज ना, मजा आ रहा है भाई। फोटो भी निकाल देते हैं, बस एक मैं वीडियो बना चुका हूँ, फोटो निकाल देता हूँ आपको। तो फाइनली भाई हम लोग आ चुके हैं नौका विहार के ऊपर उस पॉइंट पर घूमने के लिए, शिवम भाई
आई लव गोरखपुर लिखा है यार, दूर से लेता हूँ आपका। आई लव गोरखपुर। ये तगड़ी आ रही भाई, लेकिन धूप है यार, फव्वारा चला ही नहीं, फव्वारा चलता ये पूरा घूमने लायक एरिया होता। आ जा सियोम भाई, इधर पूरा दिखाते हैं आपको इधर से व्यू। ये रील भी बन रहा है इधर। आ जा इधर सियोम भाई, तो एकदम अंगोछा अंगोछा सर पे बांधे हुए। ये बोटिंग, तगड़ी बोटिंग कर रहा है, इतनी तेजी से ले जा रहे भाई ये। कितनी तेजी चला रहा है भाई वो शिवम भाई। यही रामगढ़ ताल, नौका विहार, कुछ भी आप कहो, यही है जो मैं बिल्डिंग बोल रहा था। ये बिल्डिंग वो देख रहे हो, ये ताल है, इतना बड़ा ताल है कि उधर बिल्डिंग इधर तालाब। ए शिवम भाई वो देखो, पूरा व्यू तगड़ा आ रहा है भाई, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा चलते हैं फिलहाल यार, बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ रुका नहीं जाएगा। आओ चलते हैं, ये पूरा व्यू यहाँ, वहाँ भी बोटिंग का एरिया भाई, ऐसे चलते चले जाओगे वहाँ साइड में भी, लेकिन इतना पैदल चलने कोई मतलब है नहीं। ये ताल देखना है, ताल देखने को मिलेगा, वो है क्रूज तरीके से पार्टी करने लायक ये वाली। आओ सियोम भाई, तगड़े से प्यास लग रही है। भाई अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से बाहर की तरफ, ओ इधर से ये पूरा व्यू तगड़ा आ रहा है। ये गाड़ी बच्चों वाली, इतनी गर्मी है भाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये क्या है, महावीर जय बजरंगी, क्या है भाई ये, बादाम शेक, बादाम शेक भाई। सियोम भाई गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, बादाम शेक पियेंगे उसके बाद फिर। कहाँ पे हैं हम लोग, ये कुशीनगर वाले रास्ते पे हैं। अगर सियोम भाई बोलो तो कुशीनगर चला जाए, क्या बोल रहे हो? अभी बाद में आएंगे, बाद में, आज नहीं, चलो फिर नेक्स्ट टाइम कुशीनगर चला जाएगा, आज नहीं, आज वापस चलेंगे। फिलहाल हम लोग घूमते घूमते पहुंच गए हैं सत्य कबीर मूर्ति धाम पे, ये उनका गेट, कबीरदास सियोम भाई चलेंगे यहाँ, यहाँ चलेंगे थोड़ा दिखाएंगे। ये शंकर भगवान की जो मूर्ति बनी हुई है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना सियोम भाई, बड़ी मूर्ति है भोलेनाथ की, घूमने के लिए बनाया गया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, फिलहाल घूमने के लिए बनाया गया है, और जो इसका व्यू आ रहा है काफ़ी ज़्यादा बेटर आ रहा है। मौसम भी अब थोड़ा धूप कम हो गया ना, थोड़ा धूप कम हो गया, अब घूमने लायक है कि अब चाहे आप थोड़ी देर बैठो या घूमो पूरा। उनकी जो मेन गेट बना हुआ है वो कितना तगड़ा लग रहा है, उधर से होते हुए ये मगहर उधर ही निकलता है क्या? हाँ, मगहर। और ये उनकी चौपाइयाँ भी लिखी हैं, हाँ, मृत्यु ही जीवन का सत्य है भाई। कबीरदास जी द्वारा जो लिखी गई सारी रचनाएं हैं उसमें से जो कुछ पंक्तियां हैं इसमें लिखी हुई है, इसमें लिखी गई हैं। ये कबीरदास जी की प्रतिमा, सुश्री मायावती जी ने बनवाया था कबीरदास जी की प्रतिमा। ट्रेन भी जाती है क्या? ट्रेन जा रही भाई, वो जा रही बीच से, देखो गोरखपुर वाली,
बगल से ही, तभी तो गए। ट्रेन की आवाज़ है, पुल के ऊपर से जा रही है। ये गार्डन टाइप का बना भी है, ये पार्क गार्डन। आके बैठे। अच्छा इधर ही स्कूल भी है आसपास हमें लगता है कोई। यहाँ पे आने के बाद कबीर दास जी की एक पंक्ति याद आ गई। तुम्हें याद है सियोम भाई, ये कबीर अखाड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर। लेकिन लेकिन जितेंद्र गुरु जी यार इसका वो भी हिंदी में अर्थ भी बताए थे। कबीर बाजार में खड़ा है, खैर मांगता है, उसका ना तो किसी से दोस्ती है ना किसी से दुश्मनी है, और सबके बारे में हाल चाल ले रहे भाई। आप कैसे हो, आप कैसे हो? स्थल बहुत बढ़िया बन जाएगा ये कभी, ये ना आने वाले टाइम में मंत्रालय भाषा। ये लगा है भाई बोर्ड भी। फिलहाल मौसम गड़बड़ हो रहा है तो जल्दी निकल लेंगे हम लोग यहाँ से। क्या बोल रहे हो, निकले चलते? फिलहाल बारिश होने से पहले निकल जाएंगे हम। ये गार्डन का पूरा चारों तरफ व्यू दिखा दे रहे हैं आपको घुमा के, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही यूनिक जगह लग रही है भाई ये। भाई यहाँ हम लोग बैठे थे, इतनी तेज आंधी टाइप का आया है कि बारिश हो रहा था हल्की हल्की, तो हमने सोचा क्यों ना रुक ले तभी चले। ये शिवम भाई भी हवा का मजा ले रहे, शिवम भाई कुछ दूसरा मजा ले रहे हैं। और ये पूरा व्यू, ये तालाब का, ये तालाब बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। गोरखपुर से वापस लौटते समय काफ़ी बारिश हुआ और हम लोग काफ़ी भीग गए, और शुभम भाई भीग चुके हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, लगभग 2-3 घंटे बारिश हुई। शुभम भाई तो एकदम से पानी भर गया भाई, जूते में एकदम पानी भरा है। हमें लगता पूरे सीजन का सबसे ज़्यादा बारिश हुई। हम लोग आए हैं संत कबीर नगर, तो बारिश का स्पीड बहुत तेजी था भाई। अरे एकदम पूरा अंदर तक टूटे होते पानी भरा हुआ भाई, एकदम टूटे पानी भरा हुआ। गाड़ी की कंडीशन देखो भाई, दिखाते हैं आपको गाड़ी की कंडीशन, बहुत बुरी कंडीशन हो गई है एकदम बारिश में। अरे शिवम भाई तो एकदम भीगे हुए हैं यार, जूते होते पानी भर गया यार, एकदम जबरदस्त पानी भरा है भाई। देख रहे एकदम पूरा भाई बारिश का। ये था कि हम तो चलो हमें चलाना था गाड़ी, तो हमने रेनकोट पहना क्योंकि पूरा फोकस उस पे था बरसात का। सियोम भाई तब भी थोड़ा बहुत बच गए यार, हमारे तो पूरे जूते में पानी भरा, वो चमड़े के जूते सब लग गया। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग कहाँ पे हैं, बस्ती बॉर्डर पे हैं। बस्ती बॉर्डर पे हैं अभी, अभी भी दूर है, लमसम 50 किलोमीटर है घर। तो थोड़ी देर रुके हैं, तो उसके बाद हमने सोचा कि बरसात थोड़ा रुक गया है तो थोड़ा सा सर्वर में जो कपड़ा लगा हुआ वो हटा के और फिर निकलते हैं। हम लोग यहाँ रुके हैं, उसके बाद अब निकलेंगे, फिर 50 किलोमीटर ट्रेवलिंग बचा है, वो 50 किलोमीटर जल्दी कवर कर लेना है। अंधेरा होने से पहले घर पहुँच जाना है, ये कोशिश है। बारिश ना होती तो हम लोग अब तक पहुँच गए होते, क्योंकि स्पीड बहुत मतलब एवरेज आ रहे थे भाई, बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं आ रहे थे, सही ना। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं जल्दी से घर। तो फाइनली हम लोग अपने विधानसभा में आ गए, कहाँ हरैया यहाँ डुहुआ पे रुके हैं। अमित भाई और विशाल भाई से मुलाकात करेंगे फिर घर पे। शिवम भाई यहाँ आए हैं तो पहले इनकी सेवा भाई, इनके स्टूडेंट यहाँ बहुत है ना, तो इनके स्टूडेंट की सेवा बहुत तगड़ा करते हैं। थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे यार, और मौसम यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे बारिश बहुत ज़्यादा हुई नहीं है, मौसम साफ है, और जैसे थोड़ा टाइम बिताएंगे उसके बाद फिर निकलेंगे। हेलो, हम लोग सुबह ही निकले हैं। तो फाइनली गाइस घर पे आ चुका हूँ, और यार बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, जूते होते पानी भरे हुए थे, तो आके यहाँ चेंज किया हूँ कपड़ा, उसके बाद थोड़ा
बैठा हूँ, तब जाके थोड़ा अंदर बहुत ठंडी लग रही थी, अब रिलैक्स फील हो रहा है। आज मैच भी आ रहा है तो आज आनंद ले रहे हैं बैठ के, फिलहाल थोड़ा मैच का आनंद ले। मैच आ रही है, मैच देखने में मज़ा आता है, तो मैच देखते हैं थोड़ी देर, उसके बाद फिर डिनर करेंगे, फिर वीडियो एडिटिंग पे लगेंगे। तो फिलहाल रात के बज रहे हैं 10:30, तो अब डिनर करेंगे, मैच देखते देखते 10:30 बज गए, अब चल रहे डिनर किया जाएगा, क्योंकि दोपहर में वही हम लोग फ्राई राइस वगैरह खाए थे, उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह किए बीच में, लेकिन जब तक भोजन ना मिले तब तक नाश्ते का मज़ा नहीं आता यार। तो भोजन में बना है क्या क्या दिखाते हैं आपको, ये भिंडी की सब्ज़ी, ये आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, चावल रोटी। तो फिलहाल मस्त भोजन करते हैं और उसके बाद फिर थोड़ी देर, जब तक मैच ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक देखूंगा, उसके बाद ही वीडियो एडिट करूंगा मैच ख़त्म होने के बाद। तो फाइनली गाइस वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, कल रात में एडिटिंग किया, पूरी एडिटिंग कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो सुबह एडिटिंग करके वीडियो एडिट कंप्लीट हो चुकी है, अब अपलोडिंग पर लगा गाइस, तो बार रेडी होना है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।